ਇਹ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਸਿਰਫ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹੋਂਦ 'ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸ਼ੁਬਾ ਵੀ ਹੈ। वो इतनी सीरियस कंडीशन होते थे उसके बावजूद वो डिनाई करते थे कि नहीं कोरोना कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक यहूदी साजिश है, ये कभी गवर्नमेंट की साजिश है, उसको डिक्लेयर करते थे कि वो डोनेशन या लोन जो है उसको वेव ऑफ करने के लिए काम करती है, कभी वो ये कहते थे कि ये यहूदियों की ये साजिश है कि मुस्लिम पॉपुलेशन जो है ना उसको कम किया जाए और डॉक्टर्स उनके एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो कि काफ़ी डिस्ट्रेसिंग था हम सबके लिए वो ये था कि क्या ये वही जहर वाला इंजेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से जो है पेशेंट्स की डेथ हो जाती है। फिर कुछ लोगों को हमने अगर मेडिसिन एडवाइस की तो अटेंडेंट से कहा कि नहीं सना मक्खी और इस तरह की और जो हर्बल चीज़ें वो आप दें, उनसे चीज़ें बेहतर होती हैं। पाकिस्तान च एक हालिया सर्वेक्षण विच 20% लोगों ने कहा है कि यह वायरस विदेशी ताकतों ने जानबूझ के फैलाया। नाले सर्वेक्षण च अधे लोगों ने कहा है कि खतरा वधा के पेश किया गया है। यहाँ तक के अस्पताल में भी डॉक्टर्स के मुताबिक बाद मरीज़ इस बीमारी को संजीदगी के साथ नहीं लेते। एक वाक़े में उस वक्त अस्पताल का अमला परेशानी का शिकार हो गया जब दो मरीज़ जो कि कोविड पॉजिटिव थे वो अस्पताल से कुछ घंटों के लिए गायब हुए। चंद घंटे बाद वो वापस आए और उन्होंने बताया कि वो करीबी मस्जिद में नमाज अदा करने गए थे। सलमा जब तक खुद शिकार नहीं हुई उसनू भी ये वायरस झूठ ही लगता सी। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਗੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਿੰਸਕ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। एक दिन मैं जब पेशेंट का राउंड कर रही थी, क्लिनिकल राउंड हमारी टीम कर रही थी, तो एक पेशेंट ही वॉज सो इमोशनली चार्ज कि उसने हम सब के लिए अब्यूसिव लैंग्वेज और थ्रेटनिंग मैसेजेस छोड़े। उसने हमें कहा कि आप लोगों में से मैं जैसे ही यहाँ से बाहर जाऊँगा आप लोगों में से किसी ना किसी की टांगे तोड़ दूँगा। कई डॉक्टरों ली इस सबर का इम्तिहान है। एक फीमेल थी, उनकी डेथ हुई, एक्सपायर हुई, तो नेक्स्ट डे उनकी बेटी आई है बाहर डोर पे वार्ड के और उसने आके अब्यूज़ करना शुरू कर दिया डॉक्टर्स को। वो आप लोगों ने मेरी माँ को जहर का टीका दिया, पॉइजन दिया, उसकी वजह से डेथ हुई। उस वक्त मुझे लगा कि यार ये जॉब नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक तो थैंकलेस जॉब है और दूसरा हम इतने ही ट्राई करते हैं और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे ना। सर ताबूत में मंगवा लेता हूँ सेंटीवर का। हुण डर ये भी है कि जे लोगों च बीमारी बारे झूठ फैलता रहा तो एहतियात बिल्कुल हट जाएगी ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।